नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। ग्वालियर की लोकायुक्त पुलिस ने थाने में रिश्वत लेते हुए एएसआई और कोर्ट मुंशी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में चालान पेश करने के बदले एएसआई आरपी गुनकर 4,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। लोकायुक्त प्रभारी ने बताया कि फरियादी पुष्पा तोमर ने शिकायत की थी कि उसके पति को ग्वालियर थाने में 420 के एक प्रकरण में 4 जून को गिरफ्तार किया था, जिसका कोर्ट में चालान पेश करने के बदले एएसआई आरपी गुनकर 4,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। 13 जुलाई को फरियादी 1,500 रुपए दे चुकी थी। आज जैसे ही बाकी बचे 2,500 रुपए के लिए एएसआई ने थाने बुलाया तो वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। वही थाने के कोर्ट मुंशी मुकेश ने भी फरियादी से 500 रुपए की रिश्वत ली। दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ग्वालियर से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट। मेरे मिस्टर को 4 जून को 420 के केस में अंदर किया गया और उनका वारंट पेश वो चालान पेश नहीं कर रहे थे। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने मुझसे पैसों की मांग की, 4,000 रुपए मुझसे मांगे गए। 13 तारीख को मैंने उनको 1,500 रुपए दे चुकी थी और 2,500 रुपए आज देते हुए रंगे हाथ पकड़वाया। किसको पकड़वाया? ये आरपी उनका है कौन और जो दूसरे कोई मुंशी जी है मुकेश करके, दो लोग हैं। हाँ, दो लोग। 500 रुपए उनकी फाइल में निकले। अच्छा, क्या नाम आपके हस्बैंड का? दरियाप सिंह तोमर। किस केस में गए हुए थे? कोई 420 के। क्या किया तुमने? अब जो भी हो ये तो मुझे नहीं मालूम, कोई प्रॉपर्टी वगैरह का क्या वो है। अच्छा। ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। आवेदी की है पुष्पा तोमर, हमारे पास आई थी ये। इनके पति 4 जून को अपराध क्रमांक 489/20 में धारा 420 में पंजीबद्ध हुआ था ग्वालियर थाने में, जिसकी विवेचना कर रहे थे आरपी गुनकर साहब। उनके द्वारा चालान प्रस्तुत करने के लिए इस महिला से 4,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। आरोपी क्योंकि चूंकि बहुत चतुर चालाक था तो इशारों में बात करता था, लेकिन जब हमने इसको टेप रिकॉर्डर दिया तो इन्होंने जब पैसे दिए इसको 1,500 रुपए पहले दिए तो इनके द्वारा बोला गया कि ये तो बहुत कम है, चलो अपनी मर्जी से तुम्हें जितना देना है वो दे देना। तो इस हिसाब से फिर शेष जो बचे थे 2,500 रुपए लेके आज वो जब यहाँ पे आई तो इनके द्वारा वो पैसे लेके अपनी भाई जेब में पैंट में रख लिए। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।